कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बाद जीएसटी राजस्व संग्रह में सुधार के साथ केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों को नए जीएसटी दायरे में शामिल करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत शुरू करने का संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के सुझाव के आधार पर केंद्र प्राकृतिक गैस को जीएसटी के तहत लाने का मुद्दा जीएसटी परिषद के समक्ष उठा सकता है, इससे पहले कि पूरे तेल और गैस क्षेत्र को इसके तहत लाया जाए। जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को लखनऊ में होनी है। हालांकि परिषद के सदस्य कई लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि राज्यों के मुआवजे, कोविड आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में संशोधन, उल्टे शुल्क संरचना, केंद्र द्वारा नए कराधान के दायरे में गैस को जल्दी शामिल करने के मामले को भी उठाए जाने की संभावना है। कोविड 19 के कहर के कारण राजस्व की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राज्य उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाले पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने से हिचक रहे हैं, लेकिन इस साल जीएसटी संग्रह में काफी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2022 के अधिकांश महीनों में मनोवैज्ञानिक चिन्ह 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। केंद्र को लगता है कि यह तेल और गैस क्षेत्र में कर सुधारों के साथ साथ गैस को शामिल करने का सही समय है। देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की योजना में मदद करेगा। गैस को शामिल करना जीएसटी परिषद के लिए एक चुनौती नहीं होगा, क्योंकि यह काफी हद तक एक औद्योगिक उत्पाद है जहां नए कराधान में बदलाव मुश्किल नहीं होगा। इस स्विच ओवर के मामले में राज्यों के लिए राजस्व निहितार्थ भी कम है। तेल मंत्रालय में एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि राज्य अब काफी बेहतर स्थिति में है। पिछले कुछ महीनों में जीएसटी राजस्व 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्र ने अतिरिक्त उधार योजनाओं के माध्यम से अपनी तरलता की स्थिति में भी सुधार किया है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत चरणबद्ध तरीके से शामिल करना आसान हो जाएगा। प्राकृतिक गैस और जीएसटी लगाने से ONGC, IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपए के कर बोझ से बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन्हें इनपुट और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए करों पर क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट दो अलग अलग कराधान प्रणालियों के बीच हस्तांतरणीय नहीं है। महिंद्रा के MD और CEO पवन गोयंका की अध्यक्षता में स्थानीय मूल्य वर्धित और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए संचालन समिति ने वाणिज्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में प्राकृतिक गैस की कीमतों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान के लिए भी लड़ाई लड़ी है। जीएसटी में शामिल होने के बाद ऐसा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि परिषद गैस के लिए 3 स्तरीय जीएसटी संरचना पर विचार कर सकती है, जहां आवासीय पाइप्ड प्राकृतिक गैस पर 5% की कम दर से कर लगाया जा सकता है, वाणिज्यिक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पर 18% की औसत दर से कर लगाया जा सकता है और कार ईंधन CNG पर अधिकतम 28% की दर से कर लगाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के एक प्रस्ताव का मसौदा अभी तक तैयार नहीं किया गया है और जीएसटी के तहत गैस को शामिल करने पर आम सहमति के बाद इसे मेज पर रखा जा सकता है। CNG और पाइप से गैस की आपूर्ति सहित गैस की बिक्री पर 5-12% तक VAT लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।